श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं आज मैं आपको सुना रही हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का बहुत ही अधिक महत्व है। बंधुओं पूर्ण विश्वास के साथ ही शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। बंधुओं यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंटक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला। शिवजी का वह दिव्य चरित्र परम पावन और पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं इसका वर्णन तुम्हारे सामने करता हूँ, तुम इसे प्रेम पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मारीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न और प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दनु था। वह शेष सुंदरी और महारूपवती था। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचिति था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक और विष्णु भगत था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप किया। वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसने 1,00,000 वर्ष बिता दिए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि और मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे हैं यह आप ही बतलाइए। दीन बंधो अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। स्नत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, विष्णु ने कहा, अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया। दंभ नामक दानव है जो मेरा भगत है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। स्नत कुमार जी कहते हैं, मुने भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही।
वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भगत दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ अपनी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादि देव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भगत तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित ना कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यो कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र, दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय के बाद उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पांचतों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजुत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन ही से सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो वह विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जगिश्व्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हूँ। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपस्वी शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी।
सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला, शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। स्नत कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्म ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभिस्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली है। यह विष्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपनी विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली है। स्नत कुमार जी कहते हैं, महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तभी उसे मुस्काती देखकर शंखचूड़ ने कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं। इसमें कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शेष अगले अध्याय में। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।